हद हो गई, अब तो अगला प्रोजेक्ट दे ही दिया जाए। सर जी, प्रोजेक्ट देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बकते रहो। पहले प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि प्रोजेक्ट छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरे 3 महीने चलता रहा। दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्लाइंट मीटिंग के 20 दिन बाद प्रोजेक्ट मिला और काम शुरू हुआ 1 महीने बाद, जबकि मीटिंग में मैंने साबित कर दिया कि डेवलपमेंट में देरी नहीं है, प्रोजेक्ट लेट मिला है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने फिर से अपनी चाल चल दी, क्लाइंट नॉट रिस्पोंडिंग करके बात टाल ली। नहीं तो उसी दिन सर जी मुझे घर जाने की छुट्टी मिल जाती और आज आप फिर से प्रोजेक्ट दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पहले गिटहब के किसी कोड में पंगा आ जाएगा और मैं 1 महीने के लिए फिर लटक जाऊंगा, आप फिर से प्रोजेक्ट दे देंगे। और उस प्रोजेक्ट से पहले कोई ना कोई डेवलपर रिजाइन मारकर चला जाएगा और इस तरह ना तो डेवलपमेंट के लिए कोई रहेगा और ना ही छुट्टी मांगने वाला, रह जाएगा तो सिर्फ प्रोजेक्ट। और यही होता रहा है सर जी, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिला सर जी, इंक्रीमेंट नहीं मिला। मिला है तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के मैनेजर्स ने प्रोजेक्ट को छुट्टियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है सर जी। 2 प्रोजेक्ट्स के बीच ऑफिस के बाहर ये छुट्टियों का धंधा करते हैं, धंधा। जहां एचआर पटाए जाते हैं उन्हीं को सारे समोसे खिलाए जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट। लोग इंजीनियरिंग के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर पढ़ते हैं और मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं बच्चों के लिए और उनके बच्चों को भी मिले हैं प्रोजेक्ट। Xcode.net जावा में घुस घुस के कई सारे इंजीनियर्स खुद बन जाते हैं प्रोजेक्ट और उन्हें भी मिलते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट। ये हाल पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए इंजीनियर्स का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी है, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंक्रीमेंट या प्रोजेक्ट। अगर आप उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये आउटसोर्सिंग, उखाड़ फेंकिए इन कंप्यूटर्स को, फाड़ दीजिए, इंस्टॉल कीजिए इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, ताकि प्रोजेक्टों के इन चक्रों में इंजीनियर तबाह ना हो, बर्बाद ना हो।